गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर हावड़ा को जाने वाली गाड़ी संख्या 02354 को पास कराने के दौरान देखा गया कि गया से हावड़ा तक जाने वाली एक महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। महिला के साथ उसका एक छोटा सा बच्चा और बच्ची थी। महिला अपने बच्चों के साथ चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अचानक ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी। तभी ड्यूटी में तैनात सहायक उप निरीक्षक रामजी लाल बुनकर की नज़र चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला पर पड़ी। किसी तरह की घटना ना हो, तुरंत बुनकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला की ओर दौड़ पड़े। महिला यात्री ने अपने बच्चे को ट्रेन में बैठा दिया था, लेकिन खुद महिला अपनी बच्ची के साथ ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का पैर अचानक डगमगाने लगा और महिला गिर गई। लेकिन कहावत है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जीवन रक्षक बनकर दौड़ लगाए रामजी लाल ने महिला को गिरने से बचा लिया और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लेकिन महिला का बच्चा अब भी चलती ट्रेन में था। फिर रामजी लाल ने फिर से दौड़ लगाई और चलती ट्रेन से महिला के बेटे को भी उतार लिया। स्टेशन पर खड़े प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों ने उप निरीक्षक रामजी लाल बुनकर की खूब तारीफ की और उनके कार्यों की खूब सराहना की। हावड़ा जाना। अच्छा, आपके साथ कौन कौन है? अच्छा, किस गाड़ी से? लाल कुआं से। क्या हुआ था? 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला था, हम लोग उसी पे इंतजार कर रहे थे, 2 नंबर पे आ गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब तक भैया से पूछे तब तक ट्रेन छूट गया। ट्रेन खुल गया था, बाबू कुछ है तो ट्रेन तेजी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम गिर गए। फिर देखो, तभी भैया मैंने बाबू को उठाना। कौन भैया? हमको फिर उठा लिया। अच्छा, कौन भैया लोग से? पुलिस वाले। अच्छा, ठीक। अब महिला यात्री तो उस ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाई, लेकिन अधिकारियों ने तुरंत टीटीई से मिलकर ट्रेन संख्या 03024 से महिला और बच्चे को हावड़ा तक भिजवाया। आशीष गुप्ता, टुडे बिहार न्यूज, गया।